Hello, guys, welcome to Studemy Plus. Hope you all are good and preparing well. I hope you all have attempted the quiz conducted by us on our Telegram channel, Studemy Need. So, how was your quiz, guys? Hope you all have gone through these questions. So, are you excited to know the explanation of the answers? Chalo fir I am going to take only the bio part, and other part will be explained by other teachers. So, without any further delay, let's start. सो गाइज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ईर द सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न ऑफ मेमेलियन ओवम अर्कर्स गाइज आप तो आंसर अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने आंसर की मिल गया है तो इसका ऑप्शन क्या है सी अनटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बिन पेंट्रेटेड बाई अ स्पम्प गाइज रटने से तो होगा नहीं आपको पहले इसके बेसिक्स जानने होंगे इसके प्रोसेस जानने होंगे तो गाइज़ आपको पता है ऊजने कब स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ ये बिफोर बर्थ ये स्टार्ट होता है और ऊजनेसिस से लेकर सेकेंडरी ऊज साइड तक आने तक क्या हो चुका होता है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हो चुका होता है गाइस ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ गाइस इफ़ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग गैमटोजिनेसिस दैट इज ऊजनेसिस और इस यू कैन वॉच माय वीडियोस ऑन दिस टॉपिक्स ऑन अनदर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नीट गाइड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी ओके okay? सो so, आप देखो सेकेंडरी ओसाइट के बाद क्या होगा ओव्यूलेशन होता है ठीक है ओव्यूलेशन करवाया हमने ओव्यूलेशन से क्या होता है ओवम रिलीज होता है अब ये ओवम देखो कहाँ जाता है जब ओवम रिलीज हो गया तो ये जाता है ओविडक्ट के पास ओविडक्ट के पास क्या गया हमारा ओवम गया यहाँ पर ये इंट्रैक्ट करता है स्पर्म से बेटा स्पर्म भी आ गया ओके ओवम एंड स्पर्म जब इंट्रैक्ट करता है तो सेल साइकिल कॉन्टिन्यू होती है एंड यहाँ पर होती है सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड म्योटिक डिवीजन ओके सो सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न और यू से सेकेंड म्योटिक डिवीजन कब होगा जब ओवम और जो स्पम है वो इंट्रैक्ट करेगा तभी सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा अब देखो काइज अगर आप ओजनसिस वाला देख लोगे वीडियो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है वो बिफोर ओव्यूलेशन होता है और यू कैन से कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ वो आफ्टर ओव्यूलेशन हुआ वो भी जब इंट्रैक्ट हुआ तब ओके okay? सो so, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तो आपको आंसर तो पता चला चल गया एंड वन मोर थिंग गाइस आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन फर्स्ट म्योटिक डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड क्या बोलते बताओ इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा ओके नाउ सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड बताओ बताओ इक्वेशनल डिवीजन ओके नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन ये बहुत ईजी है बट इसके पहले बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज़ अ रिसेसिव ट्रेड कैरिड बाई एक्स क्रोमोसोम ये नॉर्मली ये लिखा हुआ भी है या फैक्ट भी है ओके okay, तो क्या होता है हीमोफीलिया uh, जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड और यू कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड सो एक्सलिंग ट्रेड बोलो है सेक्सलिंग टेड गाइज बिफोर गोइंग इन फदर आई एम आस्किंग यू वॉट इज रिसेसिव रिसेसिव क्या होता है एक्सलिंग डोमिनट या क्यों नहीं है रिसेसिव क्या होता है गाइस मैं बता देती हूँ जिसमें क्या होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो अनफेक्टेड होते हैं लेकिन उनके जो चिल्ड्रेन होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इस तरह से आप कह सकते हो कि ये डोमिनेट नहीं चल रहा है अगर पेरेंट्स भी अफेक्टेड होते हैं चिल्ड्रेन भी अफेक्टेड होता तो कह सकते ये तो चला ही आ रहा है इनके क्या डोमिनेंट है ऐसे बोलते हैं ना लैंग्वेज में ओके okay, लेकिन क्या हुआ पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और चिल्ड्रेन को बीमारी हो गई तो इसलिए इसको रिसेसिव कहते हैं ठीक है थीके? तो दिस इ रिसेसिव कंडीशन नाउ गाइस देखो सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में होता क्या है मदर जो होती है वो कैरियर होती है मदर क्या होती है कैरियर होती है और जो सन होता है उनका बेटा होता है वो अफेक्टेड होता है and it follows criss cross inheritance. it is a key word of X linked recessive trait or sex linked recessive trait. it follows criss cross inheritance. okay. अब होता क्या है? इसके पहले देखो ख़तम हो गया. लेकिन इसके पहले आपको basic जानना है. in human each cell normally contain how many pair of chromosome? guys tell me. twenty three pair of chromosome means total कितना हो गया? forty six हो गया. okay? ट्वेंटी टू पेयर क्या हुआ ऑटोजोम हो गया ट्वेंटी टू पेयर क्या हुआ ऑटोजोम हो गया और जो वन पेयर हुआ वो क्या हुआ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम हो गया गाइस एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग द सेक्स लिंक ट्रेड्स आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम जो सेक्स लिंक ट्रेड होता है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे इसलिए आप यहाँ भी देख रहे हो सेक्स रिसेसिव ट्रेड कैरीड बाय एक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड है ये एक्स लिंक्ड है लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम पे ही यूजुअली प्रेजेंट होता है वाई पे नहीं होता क्यों देखो ये मैं डायग्राम बना रही हूँ ये एक्स क्रोमोजोम है ठीक है एंड ये छोटा सा वाई क्रोमोम दो रीज़न है इसके पीछे कि जो सेक्स सेक्सलिंक ट्रेट होता है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोजोम पे क्यों फर्स्ट रीज़न इज एक्स क्रोमोजोम इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोजोम ठीक है ओके नाउ द सेकेंड इज़ इट कंटेंस लार्जर नंबर ऑफ जीन एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोजोम ठीक है तो इसमें जीन भी ज़्यादा होता है ये लंबा भी ज्यादा है लार्ज भी है तो इस तरह से कह सकते हो ये तो पूरी तरह डोमिनेंट है इसलिए एक्स क्रोमोजोम पे सेक्स लेंथ प्रेजेंट होता है यूजुअली नाउ कम टू द मेन पॉइंट हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल व्हाई आंसर तो सिंपल सा है बट आपको व्हाई पता होना चाहिए क्या होता है फीमेल विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज सी एज अ डोमिनेंट नॉर्मल जीन जो फीमेल होती है फर्स्ट रीज़न देखो क्या होता है फीमेल में जो होता है एक्स एक्स होता है जिसमें एक जो होता है डोमिनेंट नॉर्मल जीन होती है लेकिन वही मेल में क्या होता है ये लैक होता है मतलब इसमें डोमिनेंट नॉर्मल जीन प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है फर्स्ट रीजन तो ये हो गया नाउ द सेकेंड रीज़न क्या हुआ इसलिए जब इसे एक्सप्रेस करना होता है तो क्या होता है डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है लेकिन इसमें तो डोमिनेंट है नहीं तो सप्रेस जो रिसेसिव ट्रेट है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है अब डोमिनेट नहीं रहेगा तो रिसेसिव वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना ओके नाउट द सेकेंड जो रीज़न है उसमें क्या होता है कि मेल जो होते हैं वो हेमीजाइगस कंडीशन शो करते हैं हेमीजाइगस नॉट होमो और हेट्रो नहीं हेमीजाइगस आप सोच रहे हो गो मैडम होम हेमीजाइगस क्या होता है होमो तो सुना है हेट्रो भी सुना है आपने हेमीजाइगस बोल रहे हो देखो हेमीजाइगस कैमेट्स भी शो करते हैं हेमीजाइगस क्या होता है हैविंग ओनली वन जीन ऑफ अ पेयर एक एक जोड़े से एक जीन लाना अब देखो एक से एक्स एक जोड़ा है वाई वाई एक जोड़ा है इसमें से एक जीन लिया है एक्स इसमें से एक जीन लिया है वाई तो इट सोसमी जाएगा कंडीशन उसी तरह गैमेट्स भी हेमी जाएगा सो करता है एक जोड़े से एक ही जीन आता है एक जोड़े से एक जीन आया ओके सो ये सेकेंड रीज़न था अब इसको थोड़ा सा चेकबोर्ड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं देखो ये क्या हुआ ये फीमेल है अपनी कैरियर मैंने बताया मदर कैसी है कैरियर और जो मेल है पेरेंट्स मेल है वो क्या है नॉर्मल है इसको जब आप क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा एक्स एच एक्स ओके अगर दोनों में एच लग जाएगा तो क्या होता है डोमिनेंट ये क्या होगा दोनों एक्सप्रेस हो जाएगा मतलब जो फीमेल होगी वो अफेक्टेड हो जाएगी ऐसे ये क्या है? कैरियर है ओके अब एक्स एच वाई और एक एक्स एक्स और एक एक्स वाई ओके अब देख रहे हो आप ये जो फीमेल है ये कैरियर है और फिफ्टी परसेंट फीमेल क्या अनफेक्टेड है फिफ्टी परसेंट मेल क्या अफेक्टेड है फिफ्टी परसेंट मेल अनअफेक्टेड है तो इसमें आप देख सकते हो फिनोटिपिकली आप बोल सकते हो कि हंड्रेड परसेंट जो फीमेल है वो अनफेक्टेड है लेकिन इसमें क्या है फिनोटिपिकली भी आप बोलोगे कि ये फिफ्टी परसेंट जो मेल है वो तो अफेक्टेड है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमन इन मेल मेल अफेक्टेड होते हैं हीमोफीलिया में ओके नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट अनयूज इन द्यूमन ब्लड इवन आफ्टर सब टेक बाय द बॉडी टिश्यू एंड दिस ऑक्सीजन एक्ट एस अ रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज ओके बाकी ऑप्शन अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सबका रीज़न पता होगा क्योंकि ये नहीं हो सकता ओके सो गाइस होता क्या टिशू जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट एक मिनट टीशू जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो ऑक्सीजन आता है ऑर्ट्रियल ब्लड से उसे यूटिलाइज कर लेता है ठीक है नाउ जो सेवेंटी फाइव परसेंट वेन में रहता है डेट इज़ वेनस ब्लड सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ सेवेंटी फाइव है सेवेंटी फाइव परसेंट वेन में जो रहता है वेनस ब्लड वो सेचूरेटेड रहता है ठीक है और वो यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज ठीक है उसका यूटिलाइजेशन कब होता है ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज वो रिज़र्व रहता है सेवेंटी फाइव परसेंट तो ये रीज़न है एक्टर्स रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज आपसे इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि वो जो अनयूज होता है वो उसका क्या काम होता है वो रिजर्व रहता है ताकि वो मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम काम कर जाए ओके okay, गाइज काइस इफ़ यू वांट टू क्लियर योर डाउट्स और यू वांट वीडियोज़ ऑन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैन यू कैन वॉच माई चैनल टू नीड गाइड हेयर दे आर आई हैव एक्सप्लेन वेरी नाइसली द होल चैप्टर अलोंग विद द ट्रिक्स सो वहाँ से आप देख सकते हो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने ट्रिक्स के साथ पढ़ाया है ओके okay? और मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्कस क्या करूँगी ओके okay? नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेफरूम ओके सो फर्स्ट ऑप्शन आपको पता है सही है आपने देख लिया आंसर की से बट फर्स्ट ऑप्शन ही सही है देख लो पोडसाइड्स क्रिएट माइन्यूट स्पेस स्लाइड पोर्स माइन्यूट स्पेस को स्लाइड पोर्स भी बोलते फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन टू द वुमेंस कैप्सूल ओके नाउ हेनलेस लूप का क्या काम है मोस्ट री एबजॉप्शन ऑफ द मेजर सब्सटांसेज फ्रॉम द ग्लोमला फिल्ट्रेट गलत क्योंकि लिस्ट री एब्ज होता है ओके नाउ डिस्टर कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल री एब्ज ऑफ पोटेशियम आयन इन टू द साउंडिंग ब्लड कैपलेट नहीं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर सिक्रीशन होता है पोटेशियम आयन का रीएब्ज ऑप्शन होता है सोडियम आयन का इसलिए तो क्या होता है सोडियम और पोटेशियम आयन का बैलेंस होता है यहाँ पर ठीक है तो ये भी गलत नाउ था लास्ट ऑप्शन देखते हैं एफरेंट ऑट्रोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमरुलर रूलर द रेनल वेन ये भी गलत क्योंकि ये ट्वार अवे नहीं ले जाता ये टॉआार्ड्स लाता है ये अवे फ्रॉम द नहीं होता ये टू टॉर्ड्स द होता है ठीक है सो ये ले नहीं जाता है ये वहाँ से नहीं ले जाता है वहाँ लाता है ऑट्रियल एफरेंट ऑट्रोल ले कौन जाता है ईफ्रेंट ऑट्रेल ओके सो so, इसका ऑप्शन क्या होगा पोडोसाइट्स पोडोसाइट का स्ट्रक्चर और मैंने पोडोसाइट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ऑन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर में इफ़ यू वॉन्ट की क्लियर हो कॉन्सेप्ट और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो और विथ ट्रिक्स आई हैव ऑलरेडी टॉट इन माई YouTube चैनल नीट गाइड वहाँ आप देख सकते हो ओके okay? सो so, यहाँ भी मैं एक्टिव हूँ बट वहाँ भी आप देख सकते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट ओके और यू कैन यू ऑल्सो यू ऑल्सो शुड सब्सक्राइब यर ओके नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट न्यूरोन्स रेगुलेट इंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइज वर्सा ओके ऑप्शन सही तो यही है आगे देख लेते वैसे इंडोक्राइन प्लान्ट रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स इंडोक्राइन प्लांट्स ये तो गलत है इंडोक्राइन प्लान्ट नहीं रेगुलेट करता न्यूरल एक्टिविटी को ओके okay? बल्कि नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है एंडोक्राइन क्लांट्स को ओके ना ही द कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरोस कंट्रोल इंडोक्राइन एक्टिविटी गलत न्यूरोस कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस परस ये भी गलत ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट नहीं करता है न्यूरल एक्टिविटी को तो गाइस होता क्या है बेसिकली आवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रेगुलेट द सिक्रिशन ऑफ ग्लैंड्स लेकिन जो ग्लैंड्स होता है डजंट रेगुलेट द नर्वस सिस्टम ओके सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है बट प्लान्ट रेगुलेट नहीं करता है नर्वस सिस्टम को सो so, गाइस मैंने होल बायो जो आपकी क्विज में आया था उसको डिस्कस करा है होप यू गाइस लाइक इट इफ़ यू गाइस लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यूज टू मी प्लस एज वेल एज नीट गाइड ओके थैंक यू गाइज कीप स्टडिंग कीप इन एंड स्टे सेफ